मैंने घी डाल लिया देसी और अब अपनी ब्रेड को कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो रितु एमएस व्लॉग में आपका स्वागत है। हमेशा शुरुआत मॉर्निंग में होती है, तो आज हमने इवनिंग में की है क्योंकि मॉर्निंग का तो आपको दिखाते ही हम क्या करते हैं, आज हम आपको इवनिंग का दिखाएंगे। अभी अभी ये स्कूल से आया है, इसने दूध पी लिया अपना और ये भी स्कूल का काम करने लग गया। और मैं बना रही हूँ इनके पापा के लिए चाय क्योंकि वो पापा बेटी दोनों सोई हुई है। वो देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, वो दोनों सोए हुए हैं और मैं उनके लिए बना रही हूँ अभी चाय। मसाला कहाँ रख दिया दीपांशु? कल तूने चाय बनाई थी बेटा, चाय मसाला कहाँ रखा? मिल गया। आज मैंने इसमें लस्सी रख दी और दीपांशु को आते ही बोल दिया कि बेटा इसमें दूध रखा तेरा पी ले, और उसने इसमें ना अपना बोनविटा भी मिला लिया दूध में, मतलब लस्सी में, और वो पीने लगा। तो बोला मम्मा बोनविटा तो खराब हो गया। मखाना बेटा खराब तो नहीं हुआ। बोला नहीं आप पी के देखो। मैंने पी के देखा तो उसमें लस्सी थी, क्योंकि मैंने जानबूझ के उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब मैं हमेशा इसमें दूध ही रखती थी, उसके लिए आज गलती से लस्सी रख दी तो उसके साथ बहुत बुरा हुआ। मैं लेने के आई थी ये विशु के लिए, मड़ाई निकाल देती हूँ क्योंकि आपको पता ही है सबको उसको मड़ाई कितनी पसंद है। हाँ बेटू वो देखो भाई मेरे को चाय भी नहीं बनाने दे रहा, बार बार बुला रहा है। बोलो कैमरा मैन को बोला जा मैं रोक दूँगी। नहीं नहीं जल्दी बोल, कैमरे के सामने ही बोल क्या बोल रहा है। अरे एक बार बोल तो दो। अरे मैं भूल जाऊंगा। तो भाई इसने मेरे को कुछ नहीं बताया, कहीं आप सोच रहे हो इसने बता दिया। ये बोल रहा है कि मैं भूल गया। देखो कैसा बच्चा, इतनी देर में ये भूल गया। तेरे को याद आए तब बता देना, तो मेरी चाय जल जाएगी भाई। ये देखो गाइज कितनी टेस्टी चाय लग रही है। तो गाइज देखो कितनी अच्छी लग रही है चाय, चाय बन के रेडी होगी। तो ये गाइज पता है मेरे को क्या बोल रहा था, आप सब सोच रहे होंगे कि दिखाया नहीं, मैं दिखा रही हूँ। ये बोल रहा था कि मेरी जो अब तक वीडियो बनाई है ना वो डिलीट कर दो क्योंकि मैंने फुल कपड़े नहीं पहन रखे। देखो बेचारे का मुंह। तो आप सब बताओ इसकी वीडियो दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए, कॉमेंट में पक्का बताना। तो गाइज दीपांशु के लिए मैंने अमरूद काट दिया है और वो उठ चुकी है, वो देखो आप। उसके लिए भी मैं दूध बना देती हूँ। ये ले बेटा ये खाएगा अमरूद, अब साथ में पढ़ाई कर ले। आज पता है गाइज इन्होंने ना मेरे साथ एक फ्रैंक किया, वो हमने वीडियो शूट नहीं की उस टाइम क्योंकि इनको तो पता था तुम फ्रैंक कर रहे हो, मेरे को तो पता ही नहीं था। और इन्होंने ये पता, मतलब कैसे बताऊँ आपको, जैसे मैंने आज सिर धोना था अपना, तो इन्होंने शैम्पू निकाल के उससे और उसमें सर्फ डाल दिया तो मैंने सिर धो लिया। मतलब धोते हुए मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था ना, कोई खुशबू आ रही थी, कुछ अजीब सा लग रहा था। और उसी टाइम मैंने कपड़े धोए थे, मैंने सोचा चलो उसकी स्मेल सी आ रही होगी, कपड़े धोए सर्फ में तो मैंने सिर धो लिया। मतलब देखो मैंने सुबह सिर धोया था, अभी तक देखो मेरे बाल कितने गंदे लग रहे हैं। तो फिर इसने ना स्कूल से आने के बाद मेरे को बताया कि मम्मा उस बोतल में मैं सर्फ डाल के गया था,
हालांकि इसके पापा ने भी मेरे को नहीं बताया, मैं बार बार दिन में ये बोलती रही, आज ही पता नहीं मैंने सिर भी धो लिया, देख कितने गंदे बाल हो रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे कुछ भी। अभी मैंने इसको बोला आते ही, मैं खादी पार, देख आज मेरे बाल पता नहीं क्यों कितने गंदे गंदे हो रहे हैं, मैंने सिर धोया था। तो फिर बोला किस चीज में धोया था मम्मा, कौन से शैम्पू में, जैसे 2 डिब्बे रखे थे शैम्पू के, तो जो सा मैं यूज करती हूँ ना उसमें इसने ऐसे गड़बड़ कर दी और वो सारा सर्फ निकाल के कटोरी में डाल दिया, वो मैं आपको दिखाऊंगी जरूर कटोरी में। तो ये किया इन्होंने, अब इनकी वजह से ना मेरे को अभी शाम को दोबारा सिर धोना पड़ेगा, और वो कितना मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब वो कटोरी वाला सिरप उस बोतल में डालना पड़ेगा, दोबारा सिर धोना पड़ेगा, कितनी ठंड हो रही है। तो ये देखो गाइस कितने गंदे बच्चे हैं, सबसे गंदा बच्चा ये है ना, गंदा बच्चा। पता कोई ऐसे भी करता है क्या, फ्रेंक करने को और बहुत होते हैं, मतलब कोई कल को तो ये खाने की चीज में भी डाल देगा, फिर डाल देगा ना। तो तुमने ये तो इन्होंने ये सोचना था कि देखो फ्रेंक हो नहीं पाएगा क्योंकि डाल के स्कूल चले आ गए, उस टाइम तक तो मैं नहाती नहीं, तो बाद में नहाई, तो मेरा तो फ्रेंक बन गया, इनका चाहे बने हो चाहे ना बने हो। ये देखो भाई 3.5 साल की लड़की 3 महीने के बन गया, देखो दूध पी रही है, देखो देखो उठने के बाद इसका चेहरा देखो। अब ये ना कम से कम 1 घंटा ऐसे ही परेशान करेगी, है ना, करेगी ना, तो बेटा इतना क्यों सोती है। तो गाइज आज मैं बनाने जा रही हूँ वेट गेन रेसिपी, मतलब वेट लूज की तो आपने हमेशा देखी ही है, अभी ठंड आ गई तो ठंड में हमें ना वेट गेन करना चाहिए, ठंड में हमें वेट गेन करना चाहिए, तो उसी की रेसिपी बना रहे हैं आज। हमारे साथ जुड़े रहना, कैसे क्या बनाएंगे, क्योंकि अभी चल पड़े हम वेट गेन पे, क्योंकि हम गर्मियों में वेट लूज करते हैं और सर्दियों में वेट गेन करते हैं, क्योंकि सर्दी तो भाई आती खाने पीने के लिए है, खाते रहो पीते रहो मस्त रहो, है ना, तो इसलिए सर्दी में दबा के अपना वेट गेन करो, कम से कम 5-6 केजी वेट बढ़ाओ अपना, उसके तो 10 केजी भी बढ़ा लो, लेकिन 4-5 केजी तो बढ़ाना ही चाहिए। क्या ये बात मैं बढ़ाऊंगी, बेटा छोड़ो इसको 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 देखो पॉपकॉर्न दिखाई देंगे फ्रिज में, ये पॉपकॉर्न निकाल रही है, नहीं बेटा अभी नहीं, बाद में बढ़ाऊंगी मैं, अभी तो दूध पिया है ना तूने, तो बाद में रख के आऊ। तो ये मैंने कढ़ाई रख दी है और ये दूध है, घी कहाँ गया, ये घी रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी कैसे बनाए ना। इसमें मैंने घी डाल लिया देसी, और अब अपनी ब्रेड को देखो, व्हाइट ब्रेड होती है उनको ज्यादा भूनने की जरूरत होती है, क्योंकि बिल्कुल व्हाइट होती है, ये तो पहले भूंदी हुई हो है, क्योंकि ब्राउन है ना तो पहले भूंदी हुई हो, लेकिन फिर भी अगर आप घी में थोड़ा इसको भून लोगे ना तो टेस्ट और भी अच्छा आएगा इसका, सबका तरीका अलग अलग होता है बनाने का। देखो मेरे को मेरा ये तरीका है और मेरे को बहुत पसंद है ये, और खाने में बहुत टेस्टी बना है, और वेट गेन के लिए तो सबसे सबसे बेस्ट डाइट है ये, मतलब कम कम पैसों में और बहुत अच्छी डाइट। तो आप देख सकते हो लगभग भून चुके हैं ये, अब आप इसमें दूध डाल सकते हो। सूजी का और बेसन का हलवा खाओ ना उससे भी अच्छा लगा है वो तो क्या है, थोड़ा सा खा के मतलब पेट फुल हो जाता है, जी नहीं करता खाने का, ये चाहे कितना भी खा लो उतना ही मतलब टेस्टी लगता जाओ, तो और भी खा ला और भी खा ला, बहुत पसंद आ रहा है, इसलिए ये वेट गेन करता है। हाँ ये नहीं है मतलब वेट गेन का मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा मोटे हो जाओगे, आपका टम्मी मतलब लटक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसमें हम हेल्दी हेल्दी चीजें यूज करेंगे ना तो सिर्फ ये हमारी मसल गेन करेगा ना कि हमारा फैट, इसलिए हमने ब्राउन ब्रेड लिया है, तो जो व्हाइट ब्रेड लेना चाहता है व्हाइट भी ले सकते हैं, ये मैंने पहले बोला। अच्छा आप अगर चीनी यूज कर सकते हो तो चीनी करो, लेकिन हम चीनी यूज नहीं करते, तो हम कर रहे हैं जींद का मीठा, मशहूर मीठा मैंने पहले भी बताया था आपको, आप कहीं सर्च कर लेना, मशहूर मीठा सिर्फ जींद का ही है,
और कहीं का नहीं। आपको जितना मीठा पसंद आप उतना डाल सकते हो, कम ज्यादा। हम मीठा कम खाते हैं इसलिए मैंने थोड़ा कम ही रखा है। ये है भाई इसमें मेन मिल्क पाउडर, तो मतलब ये डालना चाहो तो आप डाल सकते हो और स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगर ये डालोगे ना तो बहुत ही टेस्टी भी लगेगा और हेल्दी भी। हाँ बेटू बोलो, कच्ची बन क्यों कैसे सुनना है जाकर क्यों। आप एक बार ना मिल्क पाउडर डाल के देखना, इसमें मतलब अलग ही टेस्ट आएगा। और फिर अगर आप वही वेट गेन ही कर रहे हो तो इसमें फ्रेश मलाई घर की निकाली हुई वो भी जरूर यूज करो। ये देखो आप मतलब कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम एक इसमें इलायची यूज करेंगे। मतलब इलायची का पाउडर डाल सकते हो आप, लेकिन उसका ये नहीं पता होता वो ओरिजिनल है या नहीं है। हम लेके आते हैं, अगर हम मतलब इलायची को ऐसे करके डालेंगे ना तो वो अच्छा है, इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और ओरिजिनल भी रहेगा। हाँ इलायची डालिए मेरे ओरिजिनल पाउडर में तो कुछ भी मिला सकते हैं। इसके बाद ड्राई फ्रूट डाल दो, आपको जो पसंद है ड्राई फ्रूट में, काजू बादाम किशमिश जो भी आपको पसंद है या जो आपके पास घर पे है। तो मेरे को ज्यादा तो इसमें किशमिश ही पसंद है, बाकी काजू और बादाम भी मैं डालूं क्योंकि मेरे को अकेले को नहीं खाना है, ये सबको मिलके खाना है, तो मैं अकेले अपनी पसंद का ध्यान नहीं रख सकती, मतलब मेरे को सबकी पसंद का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी काजू के आप ऐसे देखो देख सकते हो छोटे, ये देखो आप काजू के किशमिश हमने ऐसे ले लिए और काजू के आप छोटे छोटे पीस करके डाल सकते हो और साथ में बादाम भी। देखो हम खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम साबुत बादाम भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी बच्चे भी खाएंगे तो बादाम को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में करना है। गाइस देख सकते हो आप, क्यों कुछ नहीं, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब ये देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में कितना अच्छा लगेगा आप ये देखो। इसमें सब हेल्दी चीजें मैंने डाली हैं, तो जिसने भी मतलब ब्रेड का हलवा नहीं खाया वो जरूर टेस्ट करना, जरूर खाना। और मलाई और जो मैंने बताया था मिल्क पाउडर पक्का डालना, तो उससे अलग ही टेस्ट आएगा। हाँ और हाँ चीनी को स्किप करके मतलब खांड का या मीठे का यूज करके देखना, उससे भी टेस्ट में फर्क पड़ेगा। क्या ऊपर बैठेगी ये बोली, मैं ऊपर बैठूंगी। देखो मैंने रिशु के लिए हलवा बनाया, बनाया ना, बनाया ना, नहीं खाना, देखो ये देखो ब्रेड का हलवा, वाकई में बहुत ही अच्छा बना है। क्या ऊपर कैसे बैठेगी बेटा, ऊपर गर्म है। तो गाइस अभी जा रहे हैं हम ऊपर छत पे, तो अपना ये हलवा उधर ही निपटाएंगे। कुछ तो हमने खा लिया, मतलब मैंने और दीपांशु दोनों एक साथ ही खा रहे थे, तो हमारे छोटे वाली तो खाती नहीं, सबको पता ही है वो हेल्दी चीजें नहीं खाती है ना। जब उसको पता चलेगा ना कि हेल्दी चीजें कितनी अच्छी होती हैं तब वो खाएगी। पहले बचपन में दीपांशु भी नहीं खाता था, वो भी अभी खाने लगा है, तो आपको पीछे दिख ही रहा होगा वो देखो हमारा जुगाड़ जो हमने बना रखा है, मतलब ओके की आग भी बन जावा इधर कुछ खाने के लिए बनाना, तो वो अंगूठी रखी है। अब उनको ना पता चल गया कि मम्मा ऊपर गई, तो मेरे को उनकी आवाज आ रही है, शायद वो नीचे से आ रहे हैं। मैं दिखाऊंगी आपको, सिर्फ आवाज सुनाई दे रही, वो दिखाई नहीं दे रहे। तो ये देखो गाइज उनकी जबरदस्त एंट्री हो चुकी है। वो छोटे वाली कहाँ रहेगी, आ रही है, तो अभी हम मैं करता हूँ जबरदस्त वो आ गई। क्या लेके आई है हुँ? मैंने मेरा खा लिया भाई, जितना खाना था अभी तू निपटा इसको। ओके मम्मा मुझे नहीं खाना, ना तुझे नहीं खाना, मेरे को पता है तेरे को तो सिर्फ चॉकलेट खानी है। बहुत टेस्टी है, मैंने थोड़ा सा खा के देखा था, सच में आप बना के जरूर देख घर पे।
और वो भी छत पे बैठ के खाने का तो अलग ही मजा है ना। पहले तो उतार लेती हूँ मैं कपड़े, फिर हम कुछ मतलब आज छत पे अलग करने वाले हैं, वो आपको जरूर दिखाएंगे। तब तक वो अपना हलवा निपटा देता है और मैं कपड़े उतार लेती हूँ अपने। पहले क्या था कि कपड़े उतार के नीचे लेके जाओ फिर इनकी तय करो, तो आज हम ऊपर ही तय करने लगे अपने, मतलब हमारा काम और भी आसान हो गया। आज सिर्फ जाके अलमारी में रखने हैं, है ना? Yes. गाइज हमारे कपड़ों की तय हो चुकी है बिल्कुल कंप्लीट। तो हमने आपको बताया था कि हम इधर कुछ अलग करने वाले हैं, तो ये अलग मैं आपको बता देती हूँ क्या है। आज हम करेंगे ऊपर एक्सरसाइज, तो ऊपर एक्सरसाइज करेंगे, उसके लिए मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ अभी और मैट लेके आऊंगी अपना एक्सरसाइज करने के लिए, तो आपको जरूर दिखाएंगे एक्सरसाइज। ये ब्लॉग शायद ज्यादा लंबा हो जाए इसमें ना दिखा पाए, तो उसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे और ऊपर एक्सरसाइज करेंगे। मॉर्निंग में तो हमेशा ही करते हैं, आज हम इवनिंग में एक्सरसाइज करेंगे। बाय। तू क्या पकड़ेगी? ये पकड़ो, देर गिरा मत देना, डायरेक्ट मिनट एक मिनट एक मिनट। तो गाइज मैं आ गई हूँ रेडी होके, ये देखो मैं बना, ये तोड़ेगी इसको, पानी भी ले आई, फोन भी ले आई, और ये अच्छे से क्यों नहीं खाया? तुम लोग ज्यादा लंबा हो जाएगा एक्सरसाइज, आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे। बाय।